न्यूजीलैंड के खिलाफ किंग बाबर ने तूफानी शतक ठोक रच दिया इतिहास। बाबर आजम ने विराट कोहली, क्रिस गेल को पीछे छोड़ बने क्रिकेट जगत के नंबर वन बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, आखिरकार बाबर आजम ने तोड़ा है विराट कोहली, क्रिस गेल का कौन सा सबसे बड़ा रिकॉर्ड और रच डाला है कौन सा बड़ा इतिहास, बताएंगे आपको सब कुछ आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बाबर आजम के फैन, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में लाहौर में कमाल की पारी खेली और शतक लगा दिया। कीवी टीम के खिलाफ इस सीरीज के पहले मैच में पूरी तरह से फेल होने के बाद बाबर आजम ने जिस तरह से इस मैच में वापसी की और शतक लगाया, वो तारीफ के काबिल रहा। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका तीसरा शतक रहा और यह उपलब्धि उन्होंने पहली पारी के आखिरी गेंद पर चौका लगाकर हासिल की। बाबर आजम ने कीवी टीम के खिलाफ शतक लगाया और दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में अपनी टीम के लिए 58 गेंदों में 3 छक्के और 11 चौकों की मदद से 101 रनों की नाबाद पारी खेली। ये बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान तीसरा शतक रहा और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे छोटे फॉर्मेट में 3 शतक लगाने वाले पहले दुनिया के कप्तान भी बन गए हैं। बाबर आजम ने अपना तीसरा T20 इंटरनेशनल शतक इस साल लगाया, जबकि इससे पहले उन्होंने साल 2021 और फिर साल 2022 में भी शतक लगाया था, यानी उन्होंने लगातार 3 साल 3 शतक लगाए हैं। बाबर आजम ने सूर्य कुमार यादव, कोलिन मुनरो और ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी कर ली है और इन तीनों ने भी T20I में 3-3 शतक लगाए हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्होंने अब तक कुल 4 शतक लगाए हैं। हालांकि बाबर आजम जिस शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि रोहित शर्मा के 4 शतक का रिकॉर्ड भी बाबर आजम जल्द ही तोड़ देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।